हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सी एस सी डिजिटल पावर पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारत की मीन वितन कंपनी बेसिल है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट इंडिया लिमिटेड उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसमें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो वन रहेगा आपकी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी रहेंगी वो एटी रहेंगी सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी सिलेक्शन के लिए वो कैंडिडेट को ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास बी ए बी किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट होने चाहिए कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ टाइपिंग आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए थर्टी फाइव वर्ड मिनट इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और थर्टी वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो डिजायरेबल रहेगा नॉलेज आपको एम एस एम एस वर्ड पावर पॉइंट एंड एक्सल एम एस वर्ड पावर पॉइंट एंड एक्सल का नॉलेज होना चाहिए आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ वो रहेगी इक्कीस हज़ार एक सौ चौरासी रुपये और जो वेजेस रहेगा वो रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आपका जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब के अकॉर्डिंग रहेगा कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट करना होगा कैंडिडेट के जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो रिटर्न टेस्ट होगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स इंग्लिश ग्रामर आप से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा और जो रिटर्न टेस्ट होगा उसकी जो डेट होगी वो सेम नहीं होगी अलग अलग डेट में आपसे रिटर्न टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा प्रेफरेंस दी जाएगी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो आपके पास एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी वरीयता दी जाएगी उनको जिनके पास पहले से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक्सपीरियंस है इसमें आपको टी और डी नहीं दिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको टी ए और डी ए नहीं दिया जाएगा जो आपका एप्लीकेशन जो आवेदन जो आप करेंगे वो आपका ऑनलाइन रहेगा आपको आवेदन करने के लिए डब्लू डब्ल्यू डॉट बी ई सी आई एल डॉट कॉम पर आप आवेदन कर सकते हैं आपको उसमें कैरियर सेक्शन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं आपका अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें आपको जो बेसिल वेबसाइट होगी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको आवेदन करना है इसमें कैंडिडेट को जो जिसे जो किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू आपके सामने प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम आती है आपको फेस करना पड़ता है तो आप के सामने जो मेल आईडी दी हुई है आप उस मेल आईडी से आप कंटैक्ट कर सकते हैं आप जो अपनी क्यूरी है वो दे सकते हैं आप अपनी जो टेक्निकल इशू है आपको उसका सोल्यूशन करवा सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो बाईस मई दो हज़ार बाईस रहेगी इसमें आपको जो आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं जो अपना आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन उसको आप ऑफिशियल साइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जैसे आपकी फ़ोटो है सिग्नेचर है बर्थ सर्टिफिकेट है टेंथ की जो मार्कशीट है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे आप ओ बी सी कास्ट से आप जो आवेदन कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो उनका साइज रहेगा वो सो के भी मैक्सिमम साइज रहेगा आपको कैंडिडेट जो आर रिक्वायर्ड फॉलो बिलो प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस दी गई है रजिस्ट्रेशन सेवन स्टेप में कंप्लीट होगा इसमें जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर है वन थर्टी नाइन वो सिलेक्ट करना होगा उसके बाद आपकी जो बेसिक डिटेल है स्टेप टू में जो बेसिक डिटेल है जैसे आपका नाम है फादर नेम डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपको फिल करनी होगी उसके बाद में जो आपके पास एजुकेशन डिटेल है जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको फील करना होगा उसके बाद में स्टेप फोर अपलोड सेकेंड फोटो सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट टेंथ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन प्रिव्यू और मॉडिफाई स्टेप फाइव में आपको एप्लीकेशन का प्रिव्यू देखना होगा और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस स्टेप सिक्स में आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन करेंगे पेमेंट ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यू के माध्यम से कर सकते हैं ई मेल यू सेकेंड डॉक्यूमेंट टू द ई मेल आई डी मैंसन इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो अप्लीकेशन का फॉर्म का जो लास्ट पेज है उस पर आपको ई मेल आई डी मैंसन करनी होगी या हुआ है जो आपकी पेमेंट होगी जो आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे वो होगी आपकी जनरल की जो पेमेंट होगी वो साढ़े सात सौ रुपये पर साढ़ो सात सौ रुपये होगी और जो एक्स्ट्रा एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए जो अपलाइड करेंगे आप एक्स्ट्रा एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की ही वैकेंसी दी गई है तो ओबीसी की जो पेमेंट रहेगी वो रहेगी साढ़े सात सौ रुपये और जनरल की भी साढ़े सात सौ रुपये रहेगी एस सी और एस टी कैंडिडेट की जो फीस लगेगी वो होगी साढ़े चार सौ रुपये एक्स सर्विसमैन की साढ़े सात सौ रहेगी और वोमेन की साढ़े सात सौ और ई डब्ल्यू एस और पी, पी एच फिजिकल हैंडीक्रप्ट की रहेगी वो चार सौ पचास रुपये रहे